हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तृप्ति रिमझा। और आज का जो ये वीडियो है ये है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो कैसे पहचानेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे डिसाइड करते हैं और dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाती है। तो ये देखिए, ये दो फिगर हैं, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। ये जो दो फिगर हैं इसमें दो अलग अलग टाइप की ये लाइंस कर्व दे रखे हैं। ये कॉनकेव अप है और ये कॉनकेव डाउन है, मतलब ये नीचे की साइड कॉनकेव है और ये ऊपर की साइड कॉनकेव है। ठीक, इसके हमने पॉइंट्स कंसीडर किए बी, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी ये, ऐसे ही ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करी ये। सिमिलर इस फिगर में भी ये वाला जो है ये कॉनकेव अप हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन, क्योंकि ये नीचे की साइड खुल, मतलब ऐसे खुल रहा है। ठीक, और इसमें भी हमने दो पॉइंट कंसीडर किए पी और इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लिखा है टेंजेंट। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें dy बाई dx क्या होगा। तो देखिए, जब भी कोई लाइन, यहाँ देखिए ध्यान से, जब भी कोई लाइन x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाएगी, ये थीटा। तो जब भी कोई लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाती है तो उसका जो dy बाई dx है, स्लोप जो है, dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि dy बाई dx स्लोप होता है। तो स्लोप लिखा है ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ ऐसे पॉजिटिव साइड एंगल बना रही है, ये ऐसा एंगल बना रही है, देखिए इस टाइप से। ठीक है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो जब भी पॉजिटिव एंगल बनाएंगे तो dy बाई dx ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये यहाँ पर भी, ये वाली भी टेंजेंट है तो ये भी x एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, पॉजिटिव एंगल बनाएगी। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ तो ये जो एंगल है ये आपका बनेगा थीटा। तो ये भी थीटा, मान लो जो भी होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो एंगल है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, उसी प्रकार हम इस फिगर में आ जाते हैं। तो इस फिगर में ये लाइन ऐसे झुकी हुई है, ठीक, मतलब अब एंगल आपका हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है 90 से, ठीक, ये 90 से बड़ा है। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है नेगेटिव स्लोप, क्योंकि इसमें जब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, तो इसलिए स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो यानी dy बाई dx लेस देन जीरो, यहाँ भी dy बाई dx लेस देन जीरो, क्योंकि इसकी भी टेंजेंट जो है वो नेगेटिव एंगल बनाएगी। मतलब अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये, तो ये बनेगा कुछ 90 से ऊपर, मान लीजिए 1 थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तो जब आप 10 150 निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसलिए इसका नेगेटिव स्लोप है। अब हम देखते हैं d2y बाई dx2 का क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर मैक्सिमा बनेगा तो d2y बाई dx2 लेस देन ज़ीरो होगा, और अगर मिनिमा बनेगा तो d2y बाई dx2 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, तो हमने देखा था कि अगर हमारा कर्व ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसे का मतलब है कि ये मैक्सिमा बनेगा, ये मैक्सिमा है। अगर कर्व ऐसा होता तो ये क्या होता, ये मिनिमा होता। तो जब मैक्सिमा बनेगा तो d2y बाई dx2 क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, और जब मिनिमा बनेगा तो d2y बाई dx2 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ध्यान रखिए थोड़ा सा उल्टा है, मैक्सिमा के लिए लेस देन ज़ीरो है और मिनिमा के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो है। बस यही चीज़ हमें उन फिगर में ढूंढनी है कि जहाँ मैक्सिमा है वहाँ लेस देन ज़ीरो, और जहाँ मिनिमा है वहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा देखते हैं, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, d2y बाई dx2 लेस देन ज़ीरो। तो मैक्सिमा कहाँ है, ये देखिए, ये मैक्सिमा बन रहा है, क्योंकि ये जब कर्व आगे बढ़ाएंगे तो ये मैक्सिमा ही तो बनेगा। तो ये मैक्सिमा के लिए d2y बाई dx2 लेस देन ज़ीरो। सिमिलरली ये वाला भी मैक्सिमा है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर पूरा ऐसा उठा हुआ पहाड़ जैसा दिखेगा, तो इसलिए ये मैक्सिमा है, तो इसके लिए लेस देन ज़ीरो। अब उसी प्रकार ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। अब उसी प्रकार जब हम नीचे वाले की बात करें तो ये मिनिमा बनेगा, तो मिनिमा के लिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, और d2y बाई dx2 ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये था थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। ये वाला आप ऊपर और देख लीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।